आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार जो है रोड क्लियर करने का दावा कर रही है, लेकिन किसान जो कह रहे हैं अभी नहीं करेंगे, तो आपसी टकराव की स्थिति हो सकता है यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। मुझे आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें और देखते रहे अच्छा समझौता। जो कि युवा बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं, उनके लिए जो भर्ती आई है वो 4 साल की कर दी है सरकार ने। उस लिए आज पूरे भारत के अंदर टोल प्लाजे गुरु नाम सिंह चडूनी जी की अगुवाई में आज टोल प्लाजे 3 घंटे के लिए बंद करे गए। जो 4 साल की सरकार ने स्कीम कर दी है, इसे वापस ले और इसमें बच्चों का भी भविष्य खराब हो जाएगा। जब 21 साल की उम्र होगी बच्चे की, शादी होगी, तो उस टाइम तो सगाई वाले आएंगे तो बच्चे कहेंगे कि जब पूछेंगे लड़का क्या है कि फौजी रिटायर है, क्या कहेंगे? तो बड़ी शर्म की बात है कि 21 साल के में रिटायर हो गया बच्चा, फिर उससे बाद क्या होगा कि विषय खराब होगा बच्चे का। इसलिए कि सब युवाओं से कहता हूं मैं कि तोड़ फोड़ कहीं पर ना करें और शांतिपूर्वक आंदोलन लड़ें और आपकी जीत होगी। चाहे किसान ना किसान वाली जीत हुई थी दिल्ली, वैसे आपकी भी जीत होगी। और एक दिन के लिए हम भी ब्लास्ट पर एक धरना देंगे, बच्चों के लिए देंगे, जिसमें शांतिपूर्वक देंगे, भूख हड़ताल रखेंगे एक दिन के लिए, युवाओं के लिए रखेंगे, उनकी आवाज केंद्र तक पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार तो कहती है कि इससे रोजगार पैदा होगा। कोई रोजगार नहीं, इनते बहुत थोड़ा पैसा है, यो इससे कहां रोजगार, बेरोजगार हो जाएंगे बच्चे। और बच्चे के अंदर कई जगह तोड़फोड़ कर दी, रेलें फूक दी और गड़ियां फूक दी। हम बच्चे से कहना चाहते हैं कि ये ऐसा ना करें, आंदोलन शांतिपूर्वक चलाएं और आपकी जीत अवश्य होगी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखूंगा कि देश की सुरक्षा का सवाल है, सबसे अहम सवाल है। हमारे नौजवान सरहदों पे देश की रक्षा करते हैं और पूरा देश उनके उसमें अपने घर पे आराम से रहता है, पूरे देश की जनता आराम से रहती है। उसी के अंदर ऐसा खतरनाक कानून बना के जो केवल मात्र 4 साल के लिए है। अब 4 साल, सवाल पैदा ही होता है कि 4 साल एक बच्चा सर्विस करके आया, उसको उन्होंने जो राशि रखी है मुहैया कराने की कि हम इतनी राशि उसको देंगे, तो उस राशि में तो वो मकान बनाएगा या अपने बच्चों की शादी करेगा। ये मतलब एक जवान सरहद पे है, उसका परिवार पीछे है, उन्होंने रोटी भी खानी है, परिवार की आगे फैमिली की जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा भी कराना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, मकान भी बनाना है। तो इससे तो लगता है कि ये तो एक विद्यार्थियों के साथ, बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि पिछले लंबे अंतराल से, लंबे समय से सरकार ने भर्तियां बंद की हुई है और ये साफ जाहिर हो गया है कि ये सरकार की प्लान थी। लंबे समय से भर्ती करके एक बहुत बड़ी संख्या इन्होंने रोक दी है, बेरोजगार हो गए हैं। अब इन्होंने एक ये तरीका इस्तेमाल किया है कि इस टाइप का कोई अवसर दिया जाए जिससे कि एक भूखा आदमी, जैसे भूखा शेर अपने शिकार पे गिरता है, तो बच्चे तो हर पल देख रहे हैं कि हमारे को कोई रोजगार मिले, इतने बेरोजगार हो गए हैं। तो इन्होंने एक ये अपनी प्लान से के तहत काम किया ताकि बच्चे जो है ना इसी रोजगार को हासिल करने के लिए टूट पड़े। तो मैं कहूंगा कि संयम रखना चाहिए और जैसे पीछे किसान आंदोलन चला था, किसानों ने इनके काले कानूनों का विरोध किया था और उसमें अनुशासनात्मक तरीके से किसानों ने आंदोलन लड़ा था और कामयाबी हासिल की थी, और इसी तरह से बच्चों से अपील करूंगा कि ये संपत्ति किसी सरकारी नेता की नहीं है, किसी एमपी की नहीं है, किसी एमएलए की नहीं है, ये देश की जनता की है, देश के खून और पसीने से बनाई गई संपत्ति है। इसका कोई नुकसान ना करे,
अनुशासन में रह के अपना आंदोलन चालू रखें और हर हाल में, क्योंकि किसान आंदोलन का सहयोग जन जन ने तो दिया ही है, लेकिन उस जब जन जन की आवाज हो जाती है तो परमात्मा की भी आवाज हो जाती है। और यही बात है इन बच्चों का, जब आंदोलन चलेगा तो वो मालिक भी इनके साथ है, वो कुल मालिक इनके साथ है और ये बिल्कुल पक्का अपने आंदोलन में कामयाब होंगे। जय हिंद।